राजेश बादल सर, क्या इंडिया गठबंधन के लिए इतना ही मायूसी भरा दौर है? क्या कुछ उम्मीद बची है, या फिर जिस तरह से बीजेपी ने दिखा दिया कि केवल गुजरात लव ही फाइनल करेगी और सब चुपचाप रह के समर्थन करेंगे, तो उससे एक मजबूत चीज निकल के आती है? पूरे परिपेक्ष में आपकी क्या टिप्पणी है? धन्यवाद संजय। देखिए, जो आज का जो कालखंड है, जो मौजूदा दौर है, वो मुझे लगता है कि हमारी सियासत की गाड़ी जो है, जो लोकतांत्रिक गाड़ी है, वो पटरी से उतर गई है। शीतल जी ठीक कह रहे थे कि कोई ये अकेले तो ऐसे है नहीं जिन्होंने जेब से पर्ची निकालने का या दिल्ली से एक नाम भेजने का सिलसिला शुरू किया हो। पहले भी होता था, लेकिन हम लोगों ने भी वो दौर देखा है कि जब वास्तव में मैदान में चुनाव भी होता था। हमने बाद 80 के दशक में देखा है, 90 के आसपास देखा है, कुछ राज्यों में मतलब बाकायदा विधायक दल की बैठक होती थी, जोर आजमाइश होती थी, वोटिंग होती थी। मैंने खुद कवर किए हैं कि विधायक दल के नेता के लिए वोटिंग हुआ करती थी या हाथ उठवाए जाते थे, गिने जाते थे, फिर वो नाम लेके ऑब्जर्वर जो है दिल्ली से संपर्क करता था और दिल्ली से हरी झंडी होती थी। ये एक प्रैक्टिस थी पहले। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया है तो कांग्रेस ने भी किया है, बात बिल्कुल सही है। और प्रादेशिक दलों में तो लोकतंत्र है ही नहीं, वहां तो वैसे भी लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से है, क्योंकि एक आदमी पार्टियां चला रहा है अपनी रीजनल पार्टी जो है। तो ये कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रोसीजर का, प्रक्रिया का और संवैधानिक भावना का मुझे तो लगता है कि अपमान है। और ये अपमान मतलब इसलिए भी ठीक नहीं लगता क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा कैसे नहीं होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ही लेते हैं क्योंकि कांग्रेस तो अभी काफी दुर्बल आकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र से चौंकाने वाली प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री या नेतृत्व देने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो बहुत अनुचित है। अब राजस्थान में पहली बार का विधायक चुना गया भैया, हम लोगों ने वो देखा है कि एक जो आमतौर पर एक परंपरागत ढांचा किसी प्रदेश में मंत्रिमंडल का होता है, तो वैसे तो उप मुख्यमंत्री पद का कोई संवैधानिक स्थान नहीं है, उप मुख्यमंत्री नाम आप दे देते हैं लेकिन होता तो वो मंत्री ही है। तो पहले कैबिनेट मंत्री पहले सर्कल में होता था, फिर दूसरा राज्य मंत्री होता था, तीसरा उप मंत्री होता था और उसके बाद संसदीय सचिव। तो पहली बार के विधायक को हम लोगों ने ये राजनीति देखी है कि संसदीय सचिव के लायक भी नहीं माना जाता था। संसदीय सचिव के ऊपर उपमंत्री, उपमंत्री के ऊपर राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के ऊपर उप मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर मंत्री। तो अगर पहली बार के विधायक को आप बिना उसकी योग्यता केवल ये नहीं होती कि जो डिग्री में होती है, लेकिन एक योग्यता ये भी होती है कि क्या वो एक कुशल प्रशासन चला सकता है, दे सकता है प्रदेश को, क्या वो एक डेवलपमेंट को एक सही नजरिए से विकास में ले सकता है, उसकी नेतृत्व की क्षमता कैसी है, क्या सबको टीम को वो साथ लेके चल सकता है। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि पहली बार के हम लोगों ने जिंदगी में कितने, आपने भी देखे होंगे, शीतल जी ने भी देखे होंगे, कितने लोग हैं पहली बार विधायक बनते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं सदन में, उन्हें कैसे बैठना है, कैसे जाना है, किसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, अभी तो वही सीखना पड़ेगा। तो जब ऐसे लोग मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाते हैं तो फिर लगता है कि ये प्रदेश के विकास के लिए बहुत अहितकर हुआ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा खतरा किसको है। ये क्रिया भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व ने की, लेकिन अगर आप बहुत ही बारीकी से देखें तो तात्कालिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन दूरगामी नुकसान इतना बड़ा हो रहा है इस पार्टी को कि अभी ये जो दोनों शिखर पुरुष हैं वो समझ नहीं रहे हैं उसको। नुकसान ये हो रहा है कि देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ में, जब आप मध्य प्रदेश में, जब आप राजस्थान में अचानक किसी कनिष्ठ व्यक्ति को
ले आते हैं, जिसकी अनुभव, योग्यता, नेतृत्व की शैली, तीनों पर सवाल खड़े होते हैं। और जब आप उनको ले आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, अभी चूंकि हम बीजेपी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तीन सरकारें उन्होंने बनाई है, तो वो जो प्रादेशिक संगठन है, प्रादेशिक यूनिट है, जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं, जिन्होंने, अब जैसे मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान, अब 164 रैलियां करना 2 महीने के अंदर, आप बताइए 164 रैलियां कम होती हैं? मेरा ख्याल से तो ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने करीब करीब 200 रैलियां के आस कर दी हो। 164 तो मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर बता रहा हूँ, ज्यादा ही होंगी इससे। 18 साल से आपने मुख्यमंत्री बनाया हुआ था और आज भी आपके पास उसके मुकाबले एक आदमी नहीं था आपको लोगों को भ्रम में डालने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 अलग अलग जातियों के, अलग अलग इलाकों के उन नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा ताकि आप वोटर्स के बीच में एक भ्रम पैदा कर सकें। और देखिए, मैंने आपके आपकी डिबेट में पहले कहा है कि ये इल्यूजन है जो जादूगर अक्सर किया करते हैं। आप देखिए, जिनको लाया गया इतने वरिष्ठ हैं कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए मान लिया कि हमने राजनीति में अनुभव उस तरह से कई बार नहीं देखा जाता, लेकिन योग्यता तो देखी जाती है। आपके योग्यता का पैमाना क्या है? जिस जैसे मान लीजिए कि मंत्रियों को बना दिया, 3 मंत्रियों को, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, तो उनका कार्यकाल मंत्री के रूप में कैसा रहा, किसी ने नहीं पूछा। तो ये जो चीज है, ये जो प्रादेशिक संगठन, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये धीरे 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 जिस संगठन, विराट संगठन क्षमता की कारण बीजेपी चर्चा में रहती है, और संगठन उसका बड़ा मजबूत है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बिखरा हुआ है, लेकिन जिन लोगों की बदौलत ये पार्टी यहां पहुंची है, अब उन लोगों को अगर हतोत्साहित करेंगे तो धीरे 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 कार्यकर्ता नीचे से खिसकने लगती है, जैसे किसी मकान की नींव से ईंटें खिसका दी जाएं। और ये सिलसिला अब भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत हो गई है। आपने अभी जो वीडियो दिखाया था वसुंधरा राजे का, हम उनके चेहरे पर पढ़ सकते थे। हमने कल शिवराज को देखा था और उससे पहले रमन सिंह को देखा था। तो ऐसे हालत में संगठन का भला नहीं होता, प्रदेश का भला नहीं होता और लोकतंत्र का भला नहीं होता। शीतल जी ने एक बात जरूर कही कि जो है, मतलब यही एक अकेले हैं और ऐसा नहीं है, बात सही है। कांग्रेस में भी ये बीमारियां आई थी। तो आप अब देखिए कांग्रेस किस स्थिति में है आज, इतिहास के अपने सर्वाधिक दुर्बल, दीनहीन, निर्बल आकार में खड़ी है। तो उन्होंने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। जिस चेतावनी और जिस संकेत को मैं देना चाहता हूं, वो संकेत यही तो है कि अब इन्होंने भी अगर ये सिलसिला शुरू कर दिया तो आप पाएंगे कि फिर इनके इनकी स्थिति क्या होगी। 2 से अगर ये 75-70 तक पहुंचे थे तो वापस फिर 2 तक ना पहुंच जाएं। का अनंत काल तक आपके सितारे चमकते नहीं रहते। हर सब हमने देखा है, इतिहास पुरुषों के सितारे भी गर्दिश में आए हैं। नेहरू जी जैसे व्यक्ति को भी अलोकप्रियता झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी को भी एक दौर में हम लोगों ने जब सेंसरशिप लगाई थी तो उस समय विरोध में आवाज उठाई थी। राजीव गांधी को भी जब उन्होंने मानहानि विधेयक लाया था तब हम लोगों ने विरोध में आवाज उठाई और देश भी विरोध में हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो कई जो पुराने अच्छे राजनेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर अधिनायकवाद के चलते, अपनी तानाशाही के चलते, अगर आप संसदीय परंपराओं को मिट्टी में मिलाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि जो आप जिस तरह की शैली आप ईजाद करते हैं उससे और तीखी, उससे ज्यादा और मारक, या उससे ज्यादा और संहारक और लोकतंत्र विरोधी शैली कोई दूसरा प्रतिपक्ष भी अपना सकता है। आज की बात तो है नहीं, अनंत, जैसे कि मैंने कहा, अनंत काल तक कोई गद्दी पर नहीं बैठता। लेकिन ये लोकतंत्र का जो नुकसान होता है वो देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी में जहां एक ओर
बिखराव का, आंतरिक बिखराव का संकट खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक ठीक है, नए खून को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उनके नए खून की परवरिश की एक अलग स्टाइल होती है, आनुषंगिक संगठन होते हैं, उनके अपने ओरिएंटेशन कैंप लगते हैं। और हमने देखा है कि ऐसा होता है, बीजेपी में भी होता रहा है और कांग्रेस में भी होता रहा है कि नए लोगों को कैसे ट्रेंड करना। लेकिन अब तो नए लोगों से पुराने लोग खतरा महसूस करते हैं, तो अब वो नए लोगों को लाएं क्यों, एक चीज तो ये। दूसरी बात, अब एक जो मैं प्रतिपक्ष के नजरिए से बोल दूं कि जो जैसे कि बात हुई थी, शीतल जी ने कहा था कि इंडिया के लिए, वास्तव में हाँ इंडिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक्सीडेंट सड़क पे तब होता है जब दो में से कोई एक नियम का पालन नहीं करता। आप नियम का पालन करें और सोचें कि एक्सीडेंट नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। सामने वाला अगर नियम का पालन नहीं कर रहा है तो भी एक्सीडेंट होगा। तो अगर एक दल इस तरह से लोकतांत्रिक गाड़ी पटरी से उतारेगा तो फिर जो दूसरे दल की चुनौती है यकीनन बढ़ जाती है। इंडिया के समय शामिल सारे दलों के लिए एक तो संक्रमण काल की का दौर है, हर दल को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक धारा को आप पर आप उंगलियां उठाएं और अपने अंदर लोकतांत्रिक झरने को आप सुखा दें, ये बात ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर करना है तो कांग्रेस में तो चलिए मैं एक बार ये भी मान सकता हूं कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बाकायदा विधान के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई गई और उसमें से लोग भी दक्षिण भारत के भी शामिल हुए, उत्तर भारत के भी शामिल हुए और एक उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे निकल के आए, दलित नेता। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पा रही है, क्या अन्य दल ऐसे कर पा रहे हैं? अपने उत्तराधिकारी घोषित करने का अब दौर है। बीते दिनों मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया, ममता बनर्जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो शरद पवार ने जिन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया वो उत्तराधिकारी ही राजपाट लेके भाग गया, तो उनकी स्थिति और भी विकट हो गई। तो आजकल ये दौर जो है संजय जी, ये बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इस देश के संसदीय लोकतंत्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।